नमस्ते दोस्तों, मैं अंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं पूछे अपना सवाल में। पूछे अपना सवाल जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों, अगर आपका भी है कोई सवाल तो तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो दोस्तों, फोन लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, अनूप जी को, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो, अनूप जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी सर, आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे अपना सवाल। हाँ, हम ये पूछ रहे थे कि जैसे डेयरी फार्म खोलने के इच्छुक हैं हम कुछ जी, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी स्कीम नहीं है 10 लाख तक की लोन की? डेयरी फार्म खोलने के लिए आपको अपने जनपद के जिला विकास अधिकारी से संपर्क करिए। आप जिला विकास अधिकारी जिसको हम CDO कहते हैं। हाँ, जब वहाँ आप संपर्क करेंगे तो आप एक प्रार्थना पत्र देंगे कि हम डेयरी खोलना चाहते हैं, और उसमें आपके पास उसका बाकायदा खेती का इंतखाब और ये सब लगा करके प्रार्थना पत्र देंगे, जिससे ये मालूम हो जाए कि आप डेयरी खोलेंगे तो आपको चारा उगाने के लिए आपके पास जमीन है और डेयरी खोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन है, तो उसके आधार पर फिर वो आपको डेयरी सेंक्शन करेंगे। सर, हम ये कह रहे हैं कि जो हम मतलब अधिक बड़ी डेयरी नहीं, लेकिन 10 लाख तक का लोन। हाँ, देखिए जिस स्तर पर आप डेयरी चलाना चाहते हैं उसी स्तर के हिसाब से वो आपको लोन देंगे। अच्छा। हाँ, और उसके पश्चात आपको उस पे बाद में आपको सब्सिडी यानी अनुदान भी देंगे, उस पे छूट भी देंगे। और सर, हम ये कह रहे हैं कि जैसे मेरा क्षेत्र आलू का है जी, तो सर हमने यहाँ पे अपने यहाँ बालू वाली जगह, बालू रेत टाइप की जमीन है, उसमें आलू किया है जी, तो उसके बाद हमें कोई ऐसी फसल मिल सकती है इस टाइम पे? हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी आपने प्रश्न किया है। देखिए दलहनी फसलों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, तो उसमें तो उसमें आप जो है वो उड़द बो सकते हैं, मूंग बो सकते हैं। सर, उड़द हो जाएगा? जायद वाला उड़द आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, जायद वाला। हाँ, जायद में आपका उड़द भी है, जायद में मूंग भी है, लोबिया भी है, और अगर आपके क्षेत्र में कहीं सूरजमुखी भी होती है तो सूरजमुखी खेती बहुत अच्छी होती है आलू खेत में। सूरजमुखी तो नहीं होती है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, टोटल गेहूं और बाजरे का है काम। देखिए, तो हमने यहाँ पे आलू किया है। हाँ, तो आलू के बाद आप जो दलहनी फसल ले लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, मतलब हम यही कहा, जैसे गंगा जी वाली रेत टाइप की है तो उत्पादन तो अच्छा होता है यहाँ। देखिए आलू जिसमें हो सकता है उसमें उड़द और मूंग भी बहुत अच्छा हो सकता है। अच्छा जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। धन्यवाद सर। अगर किसी गांव में जो है वो पूरे गांव के लोग सिर्फ बाजरा और गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो उसमें जो है कोई किसान अगर किसी अलग चीज़ की खेती करता है तो मतलब स्वाभाविक बात है कि उसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन यही जो है कि वो किस चीज़ की खेती कर सकते हैं, मतलब शुरुआत से वो गेहूँ और बाजरा ही देखते आ रहे हैं। देखिए, किसान का सबसे बड़ा जो वो है कि एक अपने परंपरागत पर चलता चला जाता है जी। तो उससे हट करके जब उसको अच्छी तरीके से नॉलेज होगी और एक बार वो अपना खेती कर लेगा उससे हट करके, उससे फायदा होगा। आलू के खेत में जिस वक्त ये उड़द और मूंग एक बार कर लेंगे जी, तो ये भूल जाएंगे दूसरी फसल करने के लिए, क्योंकि आलू के खेत इतना ज्यादा उर्वरा स्तर उसका इतना बढ़ जाता है, इतना फर्टाइल हो जाता है कि उसमें उड़द मूंग की बहुत अच्छी पैदावार होती है जी। दोस्तों, आलू के बाद आप उड़द और मूंग की खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, महावीर जी से, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं लेकिन इनका फार्म जो है वो हरियाणा में है। तो आइए बात करते हैं महावीर जी से और जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो, महावीर जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ जी, हाँ बोलिए सर, आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे अपना सवाल।
हम बेल जैसे बेल वाली फल सब्जी करते हैं तो घिया की बेल में फल आने लगता है, फूल होता है और बेल सूखने लगती है अपने आप ही। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेल वाली जो आप करते हैं उसके लिए क्या आप बाड़ा बनाते हैं पौड़ाने के लिए, उसको बेल को पौड़ाने के लिए जाल बनाते हैं? नहीं जाल नहीं बनाते जी। देखिए सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, हाँ जी, कि जितनी कुकरबिटा फैमिली की है, आपकी लौकी है, तुरई है, आपका हाँ करेला है, इनके सबके लिए जाल हाँ बना करके आपको इसको पौड़ा देने से इसमें अच्छी हवा लगती है और अच्छा फल आता है, पैदावार बढ़ जाती है। नहीं वो तो पैदावार की बात हो गई डॉक्टर, हाँ। बात ये है कि मतलब वो जड़ में से अपने आप सूखने लगती है बेल। देखिए जड़ में से जो अपने आप सूखने लगती है तो हो सकता है कि उसमें निमेटोड का प्रभाव हो। निमेटोड एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, अच्छा, जो आंखों से नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। तो जैसे अच्छा। ही हम कोई फसल बोते हैं तो हाँ ये जड़ों के जो मूल रोम होते हैं, छोटे छोटे जो बारीक जड़ें होती हैं, हाँ जी, इनको खाने शुरू कर देते हैं और उसके बाद पौधा सूखना शुरू कर देता है। जी अच्छा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, मोहम्मद सवीर जी से, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो मोहम्मद सवीर जी बात कर रहे हैं? मैडम नमस्कार, सर मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। हमारा सवाल वो था कि हम हमारी जो जमीन है ना इसमें आंबे के जो पेड़ लगाने के है जी, इसके अंदर ने सफेद और पीली मट्टी है जी, तो उसके लिए हम क्या करें? देखिए सबसे पहला तो ये है कि जो आपकी मिट्टी सफेद है और पीली है, ये बताइए वो चिकनी है या रेतीली है? चिकनी है। चिकनी है, हाँ। अच्छा तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई और फसल आप इससे पहले लिए हैं? नहीं नहीं साहब, अभी हम जमीन दूसरी ले ले उसको रिपेयरिंग किया था, रिपेयरिंग किया तो ऊपर काली मट्टी थी बराबर, नीचे है ना। हाँ तो देखिए ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छा उपाय। हाँ सबसे पहले तो आप इसका मिट्टी का मृदा परीक्षण करा लें। हाँ और उसकी पीएच देख लें, 7 से ऊपर तो नहीं है। हाँ हाँ अगर उसकी पीएच 7 से ऊपर है तो उसमें आप जिप्सम और पायराइट हाँ का इस्तेमाल करें। हाँ और साथ ही साथ सड़ी हुई खाद और कंपोस्ट, हाँ। ये आप जो है 250 क्विंटल पर हेक्टर के हिसाब से हाँ इसको उसमें डालें। हाँ उसके बाद आपकी पीएच जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। हाँ और उसके बाद आप कोई भी फल का पेड़ या कोई भी फसल ले सकते हैं फिर आप इसमें। हाँ, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों आप भी किसी भी फसल की खेती करने से पहले मृदा परीक्षण जरूर करवाएं। फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए ग्रीन टीवी। ठंडी में जो मुर्गियों को बीमारी होती है ना उसके जी, ठंडी में जो मुर्गियों को बीमारी होती है उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए जो बीमारी होती है वो रानीखेत बीमारी है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, शहनाज जी से, जो कि आसाम की रहने वाली हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो शहनाज जी बात कर रही हैं? हाँ नमस्कार मैम, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ बोलिए मैम, आपका सवाल आया था मुर्गियों के बारे में, आप कुछ जानना चाहती हैं? हाँ हाँ जी मैम, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, पूछे अपना सवाल। हाँ ठंडी में जो मुर्गियों को बीमारी होती है ना उसके बारे में। जी ठंडी में जो मुर्गियों को बीमारी होती है उसके बारे में जानना चाहती हैं। देखिए जो बीमारी होती है वो रानीखेत बीमारी है और इसमें मुर्गियाँ बहुत जब मरना शुरू होती हैं तो बहुत एकदम तेजी से मरना शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको वेटरनरी डॉक्टर से टीकाकरण करा लेना चाहिए, इंजेक्शन लगते हैं इसके। हाँ, हाँ।
जैसे पोलियो का होता है उसी तरीके से इसका भी टीकाकरण होता है, तो अगर आप टीकाकरण करा देंगी तो ये फिर नहीं मरेंगी। टीका का कुछ नाम क्या? ये आप वेटरनरी डॉक्टर से बता देंगे कि हमारी मुर्गियों के टीका लगना है और आपको लगा देंगे टीका। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे अगले कॉलर हैं अशोक जी, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो अशोक जी, बात कर रहे हैं? हाँ हाँ। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ मैडम बोलिए। सर आपका सवाल आया था, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। पूछे अपना सवाल। मैडम आप तरबूज की बुआई कर सकते हैं क्या? तो उसके लिए मैं 2 फीट गहरी नाली बना दी है। आपने तरबूज के लिए नाली बनाई है? हाँ हाँ सर। कितनी गहरी बनाई है? सर 2 फीट गहरी। 2 फीट गहरी बनाई है। ये बताइए जो 2 फीट गहरी नाली बनाई है उसकी मिट्टी क्या रेतीली है या बलुआ दोमट या दोमट है? सर थोड़ी थोड़ी चिकनी है, बलुई और चिकनी है उसमें। अच्छा, तो देखिए चिकनी मिट्टी में आपको इतनी गहरी नाली बनाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर। अच्छा, और ये जो नाली बनाई जाती है ये नदियों के किनारे जब हम बहुत जल्दी लगाते हैं, जब पाला पड़ने का टाइम होता है उसी समय हम नालियां खोद करके चारों तरफ से ढक करके उसमें बीज देते हैं। ये वो पद्धति है। अगर आपको खेत में बोना है तो खेत में फिर आपको ये चिकनी मिट्टी में नाली में बोने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर अधिक पानी सिंचाई लग गया तो फसल आपकी सड़ने की संभावना है। अच्छा सर। हाँ, तो आप उसकी नालियाँ ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको करना क्या है कि आपको 1 हेक्टर में 40 से 50 किलो तो गोबर या कंपोस्ट की खाद डालनी है। सर। उसके बाद एक आती है भू पावर, वो 50 किलो वो आपको डालनी है, और उसके बाद माइक्रो फर्टिलिटी कंपोस्ट आती है वो 40 किलो डालनी है। नहीं सर, मतलब नालियों का थोड़ा ऊपर उठाएं क्या उनको? जी नालियों का थोड़ा ऊपर उठाएं क्या? हाँ जी, नाइट्रोजन ये इससे मिलेगी आपको, गोबर कंपोस्ट की खाद से भी मिलेगी, भू पावर से भी मिलेगी, माइक्रो फर्टिलिटी कंपोस्ट से भी मिलेगी। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब हमने 2 फीट गहरी खाई कर दी है तो 1 फीट उसको भर देगा दोबारा? हाँ भर दीजिए, बहुत ज्यादा गहरी खाई नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 फीट ठीक है क्या? हाँ 1 फीट अगर आपने रखी है कोई बात नहीं, 1 फीट रखिए। और अच्छा तो ये है कि ज्यादा ज्यादा आप उसको गहरा ना करके 6 इंच रखें तो ज्यादा है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल हमसे पूछने के लिए। थैंक यू मैम। जी तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि आप हमसे फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाल ही में हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए हमारे एक कॉलर जुड़े थे अखिल जी, जिन्होंने व्हाट्सएप ऑडियो भेजा है और व्हाट्सएप इमेज भी भेजा है। तो आइए सुनते हैं क्या ये जानना चाहते हैं हमसे। वांगे के पत्ते सूख रहे और वो पीले गिर रहे, इसकी वजह ठंडी है या किसी रोग का प्रभाव है? वांगे जो निकल रहे हैं वो अच्छे शाइनिंग बाज निकल शाइनिंग है वांगे पे, पर जो झाड़ है वो पत्ते पीले गिर रहे हैं, इसलिए वो पीले गिर कर सूख रहे हैं, इसका कारण क्या है? जी सर, यानी कि ये जो है वो कहना चाह रहे हैं कि बाग के जो झाड़ है उस पर पीलापन पड़ रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं? देखिए पीलापन पड़ने के 2 कारण हो सकते हैं। जी एक तो बहुत ज्यादा जब पाला पड़ता है। जी सर, ये यही कह रहे हैं कि ज्यादा पाला पड़ने से है या फिर कोई रोग या। लेकिन चूंकि ये महाराष्ट्र के हैं जी, इसलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा ना तो ठंडक पड़ती है ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, समुद्र के आसपास का क्षेत्र होता है ये, तो ऐसी दशा में पाला से या ठंड से इतनी जल्दी झाड़ नहीं गिर सकती है। जी इस समय गिरने का एक कारण और भी होता है कि साल में जो बाग होते हैं उनमें एक साल में एक बार पत्तियां पतझड़ भी लेती हैं। जी। तो जब पतझड़ लेना होता है तो पहले पत्तियां पीली पड़ती हैं और उसके बाद फिर टहनी से गिर जाती हैं। एक कारण तो ये हो सकता है। जी। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस झाड़ में किसी तरीके का ऐसा कीट लगा हुआ है जो सकिंग इंसेक्ट है, यानी पत्ती का रस चूसने वाला है, और जब पत्ती का रस ये कीड़ा चूस लेता है तो स्वाभाविक है कि पत्ती पीली होकर के और गिर जाती है। जी। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि उसमें कोई फफूंदी जनित रोग लग गया हो। जी। तो इन सब शंकाओं को एक साथ दूर करने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि 2 दवाइयां बता रहा हूं मैं, उनका मिश्रण बना करके
और उसका छिड़काव कर दें जी। एक तो ये है कि आप कापर ऑक्सीक्लोराइड 2 ml पर लीटर के हिसाब से ले लें और दूसरा जो है मेलाथियान ले लें 3 ml पर लीटर के हिसाब से जी। तो इस तरीके से 2.5 आपने ml जो लिया है कापर ऑक्सीक्लोराइड और 3 ml जो लिया है आपने मेलाथियान लिया है जी। इन दोनों को 1 लीटर पानी में मिला करके और उसके बाद फिर जो है इसको छिड़काव कर दें तो ये सारी समस्याएं। सर जैसे कि आपने 3 रीज़न बताया तो अगर 3 रीज़न में से कोई एक भी रीज़न है और इन दोनों दवाई का छिड़काव कर दिया तो कोई नुकसान तो नहीं होगा? कोई नुकसान नहीं होना है जी। देखिए वो कीड़ा मारने वाली है जी। उसका भी कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ेगा और जो फफूंदी वाला है उसका भी कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि डोज हमने इतनी बताई है कि इसमें पत्तियों पर कोई स्कार्चिंग नहीं होगी, पत्तियाँ कहीं कोई नष्ट होने की संभावना नहीं है जी। तो अखिल जी आशा करती हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल हमसे पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और कॉलर से और देंगे उनके सवालों के जवाब। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। वो मैडम सागवान लगाना चाहता हूँ। सागवान जो है ये काफी दिनों में जाकर के तैयार होता है, 25 साल कम से कम इसको लग जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में, जिसमें आप हमसे खेती बाड़ी व पशुपालन से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और हम देते हैं आपके सवालों के जवाब। तो दोस्तों अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, अश्तफाक अहमद जी से, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो सर, आपका कोई सवाल आया था, आप खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम सागवान लगाना चाहता हूँ राजस्थान में। देखिए सागवान जो है ये काफी दिनों में जाकर के तैयार होता है, 25 साल कम से कम इसको लग जाते हैं। और साल लग जाते हैं? हाँ 25 साल में जाकर के, जिस तरीके से शीशम जो है वो पकने के बाद काटी जाती है, ऐसे ही सागवान जो है ये भी जब पकने के पक जाता है तब इसकी लकड़ी जो है बहुत ही कीमती हो जाती है। अब इसको लगाने के लिए आपको करना ये है कि आप 6 मीटर लाइन से लाइन की दूरी और 6 मीटर पौधे से पौधे की दूरी पर इसको लगाएंगे। लगाने से पहले आप 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के हिसाब से गड्ढे खोद लेंगे और इन गड्ढों में आधा गोबर की खाद और आधा मिट्टी मिला करके मई में छोड़ देंगे आप। और जब बरसात शुरू हो जाए और अच्छी तरीके से मिट्टी उस गड्ढे में सैचुरेट हो जाए, खूब अच्छी नमी हो जाए, तब इनको आप लगाइए जी। सर कोई और सवाल? धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ये सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आइए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, अजय कुमार जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में रहते हैं लेकिन ये रहने वाले बिहार के हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो हेलो, अजय जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, मैं अंशु बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी हाँ सर, आपका सवाल आया था जी। सर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछे अपना सवाल। फूलों की, गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं, हम चंपारण बिहार के रहने वाले हैं जी। तो गेंदा फूल की खेती करना चाहते हैं। तो देखिए गेंदा फूल की जो आप खेती करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको मैं जो वैरायटीज़ बता रहा हूँ। हाँ तो देखिए गेंदा की खेती करने के लिए अगर हमको कट फ्लावर की खेती करनी है जी, तो अफ्रीकी गेंदा की वैरायटी आप लें जी। और अगर आपको शादी ब्याह में जो सजावट के लिए काम आते हैं जी, उसके लिए अगर जो सप्लाई करना है तो उसके लिए आपको पूसा नारंगी गेंदा और पूसा अर्पिता जी। अब इसका बीज जो है वो आपका 600 से 800 ग्राम पर हेक्टर के लिए पर्याप्त होता है और उसके लिए पहले आपको नर्सरी डालनी पड़ती है जी। जब नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी जी, तब आप खेत की तैयारी करेंगे तो खेत की तैयारी में आप 250 क्विंटल गोबर या कंपोस्ट की खाद, 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फेट और 60 किलो पोटास जी, इतना आप
डालेंगे, थोड़ा सा आप जो नाइट्रोजन है 120 किलो इसमें से 60 किलो आप बचा के रख लेंगे, बाकी रुपाई के समय डाल देंगे जी। और उसके बाद जो बचा हुआ है, जब गेंदा 20-25 दिन का पौधा हो जाए रुपाई के बाद, तब उसकी टॉप ड्रेसिंग करेंगे और जो इसमें खरपतवार हैं उनको आप खुरपी से निकाल देंगे जी। उसके बाद जो और शेष बचा हुआ है उसको 45-60 दिन पर आप डाल देंगे और थोड़ी मिट्टी चढ़ा देंगे ताकि आपका पौधा ना गिरे। गोबर गैस प्लांट गांव पालन करने के बस का लक्ष्य रखा हूँ, जिसे हम गोबर गैस प्लांट बनाना चाहते हैं। देखिए, अगर आप गोबर गैस प्लांट बनाना चाहते हैं जी, तो जिला कृषि अधिकारी से आप संपर्क करें जी। हाँ, या फिर दोनों में से अगर ये कहते हैं कि हमें, हमारे पास स्कीम नहीं है जी, तो फिर जिला विकास अधिकारी से आप संपर्क करेंगे। गोबर गैस प्लांट पर जो है गवर्नमेंट काफी ध्यान दे रही है और सब्सिडी भी दे रही है जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, सवाल हमसे पूछने के लिए। सर, जैसे गोबर गैस प्लांट के फायदे क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम, आप देख रहे हैं कि समय एक बर्निंग टॉपिक है जैविक खेती जी, और जैविक खेती करने के लिए जब हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को छोड़ रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव तो हमें निकालना ही पड़ेगा जी। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि गोबर जो है गांव में कंडा बना करके ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जी। तो इस गोबर को बचाने के लिए हम गोबर गैस प्लांट इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो प्लांट होता है इसका एक ड्रम होता है, ड्रम में हम वो गोबर डाल देते हैं जी। वो गोबर से गैस बनती है जो हमारे ईंधन के काम आती है जी। और उसका जो बाद में एक्सक्रीटा जो बचा हुआ जो होता है वो हमारी खाद, गोबर की खाद बन जाती है जी। तो इस तरीके से हम खाद बचा लेते हैं जी। सर, आपने बहुत उपयुक्त जानकारी दी है हमारे सभी कॉलर्स को। आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारी आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ अगर आपका भी है कोई सवाल तो देर किस बात की, तुरंत फ़ोन उठाइए और अपना सवाल पूछिए। फ़ोन के अलावा फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना सवाल। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। हमारा पता है 52 गजेबो हाउस, 3rd फ्लोर, गुलमोहर क्रॉस रोड, जुहू, मुंबई 400049। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं 0114601605 और 4601605 2। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0976957704। हमारी ईमेल आईडी है feedback@greentvindia.com।